Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from GATB examination 2020. Which of the following is an antibiotic? Options mein hai chloramphenicol, aspirin, valium or cisplatin. To dekho is option mein char option mein se कुछ ड्रग्स के नाम हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं तो लाइफ के अगेंस्ट काम करने वाली जो ड्रग्स होती है उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ लाइफ फॉर्म का इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, है ना, तो इनके अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन होगा, तो दीज द हियर वी यूज द वर्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, और जब हम वर्ड ड्रग ऐसे बोलते हैं तब वो किसी हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शन के अगेंस्ट या उसे कंट्रोल करने वाला होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फीवर के अगेंस्ट, या फिर पेन किलर्स होते हैं, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स होते हैं, है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। तो ये जो कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है उनको कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके उन्हें कंट्रोल करना, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना, ये काम जो केमिकल्स करते हैं दैट वी कॉल इट एज अ ड्रग्स। और जो एंटीबायोटिक्स होंगे वो किसी इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसमें से अभी तीन ड्रग्स होंगे और एक होगा एंटीबायोटिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। तो अभी ऑप्शंस में जो दिए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है। दिस इज़ एंटीबायोटिक अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये टाइफॉइड के इन्फेक्शन में, कॉलरा के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता रहा है। दूसरा देखो एस्पिरिन, दिस इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, दिस यूज टू रिड्यूस द पेन, फीवर, दिस इज यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। एस्पिरिन कभी कभी हार्ट अटैक की कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, तो इस वजह से ब्लड फ्लो इजीली होने के लिए एस्पिरिन इज यूज्ड। वैसे ये परफेक्ट मेडिकेशन नहीं है, मगर थोड़ी सी रिस्क जब हो तब जब तक कि आप हॉस्पिटलाइज कर दे पेशेंट को तब तक आप उसे एस्पिरिन दे सकते हो। तीसरा देखो यहाँ पर है वैलियम, दिस इज अ डायजेपाम, दिस इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। जो लोग खूब ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उनको उस आदत से छुड़ाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उसमें से एक ड्रग है ये वैलियम, दिस इज़ अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। और चौथा जो हमें ऑप्शन में दिया है वो है सिसप्लैटिन, दिस इज़ अ कीमोथेरेपी मेडिकेशन, दिस इज़ यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ डिफरेंट कैंसर्स, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है। इस तरह से डिफरेंट कैंसर की ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में दिस ड्रग इज यूज्ड। तो अभी हमारे क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो जैसे कि हमने जान लिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड ड्रग, तो यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन ए। आउट ऑफ दीज फोर क्लोरामफेनिकॉल इज अ एंटीबायोटिक। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।